हेलो चोरी फिर से ये सब आर्टिफिशियल है भैया, सारा असली असली ले गए और नकली छोड़ गए। चोर बहुत शातिर है। इस महीने की ये तीसरी चोरी है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला क्या? नहीं सर, हमने सारे फुटेज चेक करे हैं लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। पद्मा, निकल बाहर निकल। अरे कोई नहीं है यहाँ पे, चलो जाओ। अरे तू अंदर बैठी है, तेरा पति सारे पैसे लेके भाग गया मेरा और तू अंदर बैठी है। तू ऐसा मत समझ लेना कि तू पेट से है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। खोल दरवाजा, खोल। आगे सुबह सुबह दिमाग खाने। ये क्या बात हुई? एक तो तेरा पति मेरे पैसे लेके भाग गया, तू पैसे मेरे पति ने लिए, जाके उससे मांग। ये दोनों मिलके क्या ड्रामा कर रहे हैं? ड्रामा ड्रामा देखना है तुझे? अब भी दिखाती हूँ ड्रामा, पूरे मोहल्ले को बोल दूंगी तू मुझे अबला को अकेली देख घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। दिखाऊं ड्रामा? चल जा या बुलाऊं सबको। ये कैसी पगली है? हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ जा, चल जा। मैं जा, अपने पूरे पैसे सूद समेत वसूल करके जाऊंगा। हाँ देख लेना, चल जा। हाँ देखते हैं। राजू तुम हो क्या नीचे? अरे दीदी पानी। दीदी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? भैया चक्कर आ रहे हैं। पानी पानी ला दीजिए। मैं रूम खोलता हूँ आपका, देता हूँ आपको पानी। नहीं रूम में पानी नहीं है। मैं मेरे रूम से आपको लाके देता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप बाहर दुकान से मिनरल वाटर ला दीजिए। दीदी टैप वाला पानी आप नहीं पीते हो क्या? डॉक्टर ने मिनरल वाटर ही कहा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दीदी लाने में। मिनरल वाटर ठीक है दीदी, मैं लेके आता हूँ। दीदी आपको ये पसंद आई साड़ी? नहीं कोई और दिखाओ। अच्छा मैं इतना तो दिखाई आपको, एक तो ले लीजिए। देखिए आपका काम साड़ी दिखाना है, आप अपना काम करो। डिस्काउंट देना भैया। डिस्काउंट सेल तो कदम हो गया, अब ये फिक्स्ड प्राइस है। ऐसा कैसे भैया, इतना सारा साड़ी लिया है डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। अभी डिस्काउंट नहीं है दीदी, आप जितना भी खरीद लो। फिर क्या फायदा इतने सारे कपड़े खरीदने का इस दुकान से? अब कार्ड तो चलेगा ना? चलेगा। ये आपका कार्ड है? हाँ मेरा है। वैसे इस पे नाम तो। आप इतना सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई का है, आप बिल बनाओ ना। ठीक है। ये मशीन थोड़ा खराब है, मैं दूसरा मशीन लेके आता हूँ। जल्दी करना सर।
क्या करती मैं? सातवा लगा नहीं था कि वो भाग गया किसी और के साथ। भूख लगती है मुझे भी, इसे भी तो किया। अबे चुप, एक ही बात का रट लगाना बंद कर। टेप अटक गया है क्या? जितनी भोली दिखती है तू उतनी है नहीं। चुपचाप कोने में बैठी रहे। अबे कोई साफ करवाओ इसको। मैडम, घर की तलाशी के बाद ये सब सामान मिला और इनके बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि ये जो कह रही है वो सब सही है। अच्छा ठीक है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद सर। मैडम ये वही है, आश्रम में जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई वहाँ सभी सीसीटीवी फुटेज में इसकी फोटो है। हमें पता है सर। और ये प्रेग्नेंट है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये चोरी कर सकती है। दया धर्म का तो जमाना ही नहीं मैडम। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। ये सारी चीज़ें जो उसने आश्रम से चुराई थी उसके घर से हमने रिकवर की हैं। आप चेक करके ले जा सकते हैं सर। थैंक यू मैडम। सर लेकिन मुझे आपसे एक और सहायता चाहिए थी। बोलिए मैडम। समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। अरे बोलिए तो सही मैडम। क्या आप उस औरत को आश्रम वापस ले जा सकते हैं? ये क्या मजाक कर रही हैं मैडम आप? हाँ सर बात सुनने में थोड़ी अजीब है लेकिन। मैडम उसने आश्रम में चोरी की है, मैं उसको आश्रम में नहीं ले जा सकता। सर आप मेरी बात सुन तो लीजिए, हमने इस केस की पूरी जांच पड़ताल कर ली है, वो औरत सच बोल रही है, ऊपर से वो 7 महीने के पेट से भी है। ऐसी हालत में हम उसको थाने में नहीं रख सकते। ज़रा सी भी ऊंच नीच हो गई तो सर कल हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, तो सर प्लीज़ आप आश्रम ले जाइए उसे। मैडम मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार गुरुदेव से बात कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे पाऊँगा। बिल्कुल सर, मामला बहुत संवेदनशील है वरना मैं आपसे इतना आग्रह नहीं करती। आज यहाँ रुक जाइए, कल आपसे गुरुदेव मिलेंगे। ठीक है। ये सब गलत काम करके क्या मिला तुझे? ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मैंने आपके आश्रम में चोरी की है गुरुदेव, और आप मुझे सजा देने की बजाय ये साड़ी मिठाई पैसे दे रहे। विश्वास नहीं होता, आज की दुनिया में भी ऐसा कोई इंसान हो सकता है। कोई गलत काम मत करो जिससे औरों को दुख मिले, इससे तुम्हें भी दुख ही मिलेगा। आज से गलत काम करना बंद करो और नए से अच्छा जीवन शुरू करो। घटनाएं हृदय परिवर्तन करती हैं, लेकिन किसका प्रभाव अधिक पड़ता है, भय का या प्रेम और करुणा का?